नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के लिए मतगणना जारी है, रुझान आने लगे हैं और एक एक करके अब सीटों के परिणाम सामने आएंगे। शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि बिहार में तेजस्वी का तेज चलेगा या नीतीश कुमार की नीतियां फिर से चलेंगी। लेकिन जब आज विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना हो रही है तो चुनाव किस तरह से लड़ा गया, बात इस पर भी होगी। किस तरीके से रैलियां हुई, किस तरीके से एक तरीके का गाना चला और गीतों के द्वारा राजनीति चली और फिर चुनाव के दौरान किस तरीके से गीतों का एक आपस में द्वंद हुआ कि बिहार में काबा और बताया गया कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ। फिर बताया गया बिहार में ई बा, बिहार में ईच है, बताया गया कि यहाँ पे मेडिकल एम्स है, IIM है और IIT कॉलेज है, इस तरीके की बातें की गई। लेकिन जब आज मतगणना हो रही है और जिस तरीके से गीतों के द्वारा चुनाव लड़ा गया, इसी सब चीज पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में बिहार कहाँ है, क्या स्थिति है, बिहार की महत्ता कैसी रही है, उसका महत्व इतिहास में कैसा रहा है। इन सब विषयों पर बात करेंगे और गीत के माध्यम से बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोजपुरी के मशहूर गायक नीरज सिंह, जो बम बम बोल रहा है काशी के गायक हैं और उसी से प्रसिद्ध हुए थे और उसके बाद कई गीत इन्होंने गाए और काफी चर्चा में रहे। नीरज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार जी। नमस्ते, प्रणाम। नीरज सिंह जी, जिस तरीके से बिहार के चुनाव में पूरा एक गीतों का द्वंद हुआ और बिहार में काबा, बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में ईच है, बिहार में बहुत कुछ है, इस तरह की बात हुई, आज जब मतगणना चल रही है तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि बिहार में वास्तविकता में क्या है और आपकी नजर से आप क्या देखते हैं, गीत के माध्यम से बताइए। अभी मैंने इसी दरमियान एक गीत गाया, अभी आज संयोग भी है, रिलीज भी हो रहा है वो गीत हमारा, बेस्ट बिहारी। क्या बात। और मैंने ये जो ये ध्यान सुन के नहीं कि बिहार में काबा और क्या नहीं है लोगों ने गाया, उसको ध्यान में रख के नहीं, ये एक महत्व है कि बिहार में आखिर है क्या। बिहार में बहुत सारी चीजें हैं। बुद्ध को ज्ञान मिला यहाँ पे, वर्तमान महावीर है, गांधी जी की सत्याग्रह का आंदोलन की चिंगारी भी यहीं पर फूटी थी। JP को जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करना रहा युवाओं को, वो भी गांधी मैदान से चालू हुआ। बिल्कुल ठीक। ICS, डॉक्टर, इंजीनियर, और सबसे बड़ी बात की श्रम की शक्ति है। हमने अपने गीत में कहा है कि मंगल भवन है मंगलहारी, द्रव उसे दशरथ है जीर बिहारी, बे 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 बेस्ट बिहारी। बिल्कुल। रामचंद्र का यही ससुरारी। क्या बात। और तीनों लोग सी धरती न्यारी, बे 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 बेस्ट बिहारी। क्या बात है, क्या बात है। चलिए तो आपका एक गाना सुन लेते हैं, पहले अपने दर्शकों को हम गाना सुना भी देते हैं और आपका गाना बजाते हैं ताकि लोग समझें कि इस पूरे गीत के माध्यम से आपने क्या कहा है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रौपदी सदसरथ अजीर बिहारी, बे 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 बेस्ट बिहारी, हाँ 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 बेस्ट बिहारी, बे 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 बेस्ट बिहारी, हाँ 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 बेस्ट बिहारी। रामचंद्र का यही ससुरारी, तीनों लोक से धरती न्यारी, बे 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 बेस्ट बिहारी, हाँ 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 बेस्ट बिहारी, बे 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 बेस्ट बिहारी, हाँ 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 बेस्ट बिहारी। समझे का से चलता है कल तर खाना हो, श्रम की शक्ति हम इन पहचाना हो। ओए हुए। ओए हुए।
मेहनत मजदूरी करके देश को चमकाते हैं या मान के पगरिया ससुरारिया भी जाते हैं ता? ऐसा ही का आईस पीसीएस का भरल भंडार है, डॉक्टर इंजीनियर का पूरा भंडार है भाई। सारे दसिन है गांव के सारी और मनोज तिवारी बे 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 बेस्ट बिहारी, हा 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 बेस्ट बिहारी, बे 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 बेस्ट बिहारी, हा 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 बेस्ट बिहारी, सब जगह बिहारी। बुद्ध को मिला था यही पर ज्ञान जी, वीर कुंवर सिंह हुए देश पर कुर्बान जी। भारत के राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर, पहला प्रेसिडेंट हुए बाबू राजेंद्र। ऐसा ही का लिट्टी चोखा हुआ का स्वाद बड़ी मजेदार है, छठ पूजा स्पेशल त्योहार है। हाँ। गांधी जी की सत्याग्रह की उठी यही चिनगारी, बे 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 बेस्ट बिहारी, हा 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 बेस्ट बिहारी, बे 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 बेस्ट बिहारी, हा 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 बेस्ट बिहारी, वी आर प्राउड बिहारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार आपने गाया है। और बीच बीच में जो ये आपने इस्तेमाल किया है, एक नई विधा भोजपुरी में आपने रैप जोड़ा है जी, तो ये ख्याल कैसे आ गया कि भाई भोजपुरी गाने में रैप जोड़ दिया जाए? अब बिहार के लोग और बिहार के जितने सुनने वाले लोग हैं जी, वो रैप की भाषा भी समझते हैं। क्या बात, तो हमने कहा कि थोड़ा सा इस अंदाज में भी लोगों के सामने उन्हीं की बातें और उनकी खोई हुई चीजें, क्योंकि देखिए हमने कहा कि हमनी से चलता है कल कारखाना हो, श्रम की शक्ति हम इन्हें पहचाना हो। क्या बात, मेहनत मजदूरी करके देश को चमकाते हैं और बांध के पगरिया ससुररिया भी जाते हैं। क्या बात, आईएएस पीसीएस का भरल भंडार है और डॉक्टर इंजीनियर का बहुत भरमार है। क्या बात, शारदा सिन्हा गांव खसारी और मनोज तिवारी बे 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 बेस्ट बिहारी, हा 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 बेस्ट बिहारी, बे 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 बेस्ट बिहारी। अच्छा नीरज जी, जिस तरीके से आपने इस पूरे गीत को खुद ही लिखा है आपने, ये तो जी इस तरीके से फिर से रिकॉर्ड किया, मुझे लग रहा है कि कोरोना के कारण सारी चीजें लगभग बहुत सही ढंग से नहीं चल रही हैं, फिर भी आपने ये गाना रिकॉर्ड किया और जैसा आपने बताया कि रिलीज भी आज ही किया है, तो ये एक अपने आप में कहीं ना कहीं बताता है कि बिहार की महत्ता बहुत ज्यादा थी, लेकिन चुनाव के दौरान बातें उस स्तर की नहीं हुई, बातों को लेकर फिर अलग तरीके का एक रार दिखी और बिहार में वो बिहार को जिस एक महत्वपूर्ण स्थान के नाते जिस तरीके से देखा और समझा जाना चाहिए, जो बात की जानी चाहिए, वो सब बातें कम हुई और आपसी राजनीति बातें बहुत हुई, क्योंकि आप बिहार से हैं तो बिहार में जिस तरीके का एक राजनीतिक माहौल रहा उसको लेकर आपका नजरिया क्या है? देखिए कुछ लोग जो हैं वो पॉजिटिविटी को नहीं देखते हैं और निगेटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं। हमारी थाती है क्या, असल में लोगों को पता ही नहीं है कि बुद्ध को मिला है यहीं पर ज्ञान जी, वीर कुंवर सिंह हुए देश पर कुर्बान जी, जी भारत के राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर और पहला प्रेसिडेंट हुए बाबू राजेंद्र। क्या लिट्टी चोखावा का स्वाद बड़ी मजेदार है, छठ पूजा हम लोगों का स्पेशल त्योहार है जी 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 जी, और गांधी जी की सत्याग्रह की फूटी यही चिंगारी, बे 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 बेस्ट बिहारी। बिहारी जहां भी रहा है, जिस क्षेत्र में भी रहा है, जिस फील्ड में भी रहा है, वो हमेशा अव्वल रहा है। बिल्कुल, ये कहने कहने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग
लोगों को जो आजकल के डेट में जो अपना वोट मांग रहे थे वो ये नहीं कह रहे थे कि हमने ये किया, हम ये करेंगे, इन कुछ परिस्थितियों से निकाल के जो आज के परिवेश में जहां बिहार खड़ा है। बिल्कुल ठीक, कम से कम लोगों को कुछ ना कुछ तो अच्छा फील हो ही रहा है। अच्छा, ये थोड़ी सी प्राकृतिक आपदा जो आ गई थी या अभी है, हाँ वर्तमान में जो मौजूद है, ये पूरी तरह से प्रकृति का मानव सभ्यता पर आक्रमण था। जी जी जी, और उस दरमियान ये चुनाव हुआ है और इसमें किसका कितना नफा और नुकसान हो रहा है ये तो बस कुछ ही पलों में पता चलेगा हम लोगों को। लेकिन अपनी थाती को, हमारी जो नजरिया है कि अपनी थाती को हम गंवाएंगे नहीं, उसको भुलाएंगे नहीं, और हमेशा हमेशा उस ऐतिहासिक पुरुषों को जो हमारे बिहार में रहे हैं, राष्ट्र कवि, ये कई राष्ट्र कवि हैं, वो रामधारी सिंह दिनकर है, वो हमारे बिहार के ही हैं। पहला प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र बाबू यही के हैं, जेपी का आंदोलन हुआ, मतलब बिहार जब भी अंगड़ाई लिया है, जब भी कुछ बातें हुई हैं, वो दूर तक देश तक असर किया है। तो यहाँ की भूमि है, यहाँ की जो धरती है, वो ऐसे वीरों से, ऐसे लोगों से पटी पड़ी है। बिल्कुल ठीक है नीरज जी, जिस तरीके से आज परिणाम आ रहे हैं और साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, फिर उसके बाद तो जश्न के माहौल होंगे, जो जीतेंगे वहां पार्टी चलेगी, वहां पे जश्न मनेगा। एक बार हम आपसे आपका वो प्रसिद्ध गाना जो आज जो काफी मशहूर है, मुझे लगता है कि बिना आपके उस गाने के सावन नहीं मनता है, और बाबा भोलेनाथ की पूजा जब भी होती है, काशी विश्वनाथ की पूजा जब होती है, तो वो गाना जरूर बजता है। एक बार मैं चाहूंगा कि उसको भी आप एक बार अपने बोल से, अपने सुरों से एक बार उसको सुनाएं जरूर। जी बिल्कुल, ये गाना अब तो विश्व प्रसिद्ध हो गया है, और ऐसा कोई स्टेज नहीं भारत के किसी भी कोने में ने, जब मैं गाना ये लिख रहा था और गा रहा था, तो मैं सोचा कि चलो कम से कम काशी में बजेगा, लेकिन काशी की महत्ता का मतलब अनुमान तो था, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि इतना बड़ा हिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आज मैं जहां भी YouTube पे या फिर कहीं Facebook पे, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम होता है, या प्रधानमंत्री को ही बनारस आना होता है, तो वो गाना किसी न किसी चैनल पे सुनने को मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने काशी में हम लोगों की शिक्षा दीक्षा हुई है, तो वहाँ काफी दिनों में रहा, और आज भी वर्तमान में भी मैं हमेशा आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ के महत्व को मैंने समझा कि यहाँ क्या है, क्योंकि काशी में एक से एक संगीतज्ञ हुए हैं, हाँ गुरु हुए हैं, लेकिन बाबा विश्वनाथ की कृपा, बाबा किनाराम की कृपा ऐसी हुई कि वो गाना हमने लिख भी दिया और गा भी दिया, और वो गाना आज के डेट में अजर अमर है। जी जी बिल्कुल, मायन पूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला, सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला, माँ गंगा की गोद में बसते साधु संत सन्यासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। क्या बात है, अद्भुत, बहुत बढ़िया। ये गाना तो बहुत
प्रसिद्ध रहा, बहुत तरीके से इसको जो है लोग और तरीकों से भी बाद में गाया गया, कई लोगों ने इसे गाया जी जी। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है नीरज जी, चलिए देखते हैं कि बिहार चुनाव के परिणामों में क्या होता है और किस तरीके से किसकी सरकार बनती है। आपने हमसे बातचीत की और आपने बिहार पर इतने अच्छे बोल और शब्दों के संग रिमिक्स टाइप का एक अलग तरीके का गाना बनाया है बिहार को लेकर, बेस्ट बिहारी, तो अपने आप में बिहार की प्रशंसा और बिहार की महत्ता को बताने वाला यह गीत है। निश्चित रूप से गीत भी आपका काफी, यह गीत भी आपका मशहूर होगा, लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। इसी उम्मीद और इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम।